गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 6, व्हाट इज़ द मैटर। इन आवर प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू अबाउट द मैटर्स एंड देयर स्टेट्स, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। टुडे वी विल कवर द स्टेट्स, दैट how things can change from one state to another using water as example. Let's start. Let us learn more about how things can change from one state to another using water as an example. Okay, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैटर यानी पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, उसकी फेजेस, उसके स्टेट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ बताया था, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, मैंने आपको गैस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही ये स्टेट्स, इनकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज हो सकती है। ओके, सो An example is the process in which liquid water becomes solid ice is called freezing. वो process जिसमें liquid means water, किस में change हो रहा है? Solid में change हो रहा है, means ice में change हो रहा है। वो process क्या कहला रही है? Freezing। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यू कैन सी अ एग्जाम्पल ऑल्सो। लिक्विड को हमने फ्रीज किया तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ। लिक्विड को हमने फ्रीज किया, हमने उसको फ्रीज किया, फ्रीजर में रखा, तो क्या होगा? लिक्विड पानी बर्फ़ में चेंज होगा ना, लिक्विड आइस में चेंज होगा। तो जो वाटर है वो आइस में चेंज होगा, तो वाटर की जो स्टेट है वो तो है लिक्विड, और आइस की जो स्टेट है वो है सॉलिड। तो मतलब वाटर लिक्विड फॉर्म में है एंड आइस सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की स्टेट चेंज हो गई थ्रू द फ्रीजिंग से वाटर की स्टेट जो है वो चेंज हो गई, आइस में चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म चेंज हो सकती है, या लिक्विड फॉर्म से स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो सकती है। आफ्टर दिस द प्रोसेस इन विच सॉलिड आइस बिकम्स लिक्विड वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स होता है पिघलना, मेल्ट मीनिंग क्या होता है? पिघलना। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड मीन्स आइस, हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं वाटर का, क्योंकि वाटर जो है एक ऐसा एवरग्रीन एग्जांपल है जिसे हम तीनों स्टेट आपको बता सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी एंड गैस भी। तो देखिए सेकंड वाला, द प्रोसेस इन विच सॉलिड, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड मीन्स आइस बिकम्स लिक्विड, लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड में बदलता है, लिक्विड मीन्स वाटर, इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग या पिघलना, पिघल रहा है ना वो। तो अब देखिए आपकी आइस जो था वो तो सॉलिड फॉर्म में था, आइस जो था वो तो सॉलिड फॉर्म में था। अब सॉलिड फॉर्म किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? मेल्टिंग पर चेंज हो रही है। जब हमने क्या किया, लिक्विड से हमने बनाया था वाटर से आइस, और आइस से हमने बना दिया वाटर। कैसे बनाया हमने आइस से वाटर? हमने आइस से वाटर ऐसे बनाया कि जो हमने वाटर से आइस बनाया था फ्रीज करके, अब हमने उस आइस को बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया। जब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो वो आइस से किस स्टेट में चेंज होगा? वो वाटर में चेंज हो जाएगा। आपने देखा है ना कि जब हम बर्फ़ को रख देते हैं फ्रीजर से निकाल कर तो क्या होता है? वो वाटर में चेंज हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है। तो मतलब सॉलिड से उसकी फॉर्म किस में आ गई? लिक्विड में आ गई, यानी आइस जो है वाटर फॉर्म में आ गया। अब देखें इसके बाद आप, द प्रोसेस इन विच लिक्विड मीन्स वाटर बिकम्स गैस मतलब स्टीम इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है देखिए वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कह दें या भाप बनकर उड़ना कह दें,
है ना, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण या भाप बनकर उड़ना। तो वो प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड, लिक्विड मीन्स वाटर, किस में चेंज हो रही है, गैस में चेंज हो रही है, मतलब स्टीम में चेंज हो रही है, मतलब भाप में चेंज हो रही है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स होता है वाष्पीकरण। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लें, लिक्विड, लिक्विड से हमने लिक्विड की फॉर्म को गैस फॉर्म में चेंज किया, तो देखिए लिक्विड की फॉर्म गैस फॉर्म में कैसे चेंज होगी, इवेपोरेट करेंगे हम, इवेपोरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, हमने लिक्विड को यानी हमने वाटर को गैस स्टोव पे रख दिया, गैस स्टोव पे रख कर और उसके ऊपर एक कुछ भी कवर कर दिया, उसको ढक्कन टाइप कुछ ढक दिया। अब जब हम उसको ढक्कन को हटा के देखेंगे तो हम ये देखेंगे उसमें से भाप निकली, या हम बिना ढक्कन करे भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हमने गैस स्टोव को पानी पे रखा, अब हम देखेंगे कि वो जो पानी है उसके भाप बन रही है, मतलब धुआं निकल रहा है, जब जैसे वो गर्म हो रहा है तो वहाँ गैस स्टीम जैसा कुछ निकल रहा है, वेपर जैसा कुछ निकल रहा है, वेपर मीन्स भाप, स्टीम मीन्स भाप, है ना। तो हम देखते हैं कि वो वाटर से स्टीम निकल रही है तो वो किस फॉर्म में आ गई, वो आ गई गैस फॉर्म में। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, कि लिक्विड से यानी वाटर से आइस बना लिया, आइस से वाटर में चेंज कर लिया, वाटर को हमने गैस में चेंज कर लिया, इजी है बहुत। आफ्टर दिस द प्रोसेस इन विच गैस बिकम्स लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, यानी वो प्रोसेस जिसमें गैस जो है लिक्विड में चेंज हो रही है, यानी गैस वाटर में चेंज हो रही है। अब देखिए गैस वाटर में कैसे चेंज हो रही है, हमने जो पानी गर्म किया था गैस स्टोव पे, हमने जो कवर किया था, ढक्कन ढका था, उसमें हमने ढक्कन को हटा के देखा तो भाप निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी, है ना, ये रही स्टीम। अब हम, ये रहा इसका ढक्कन, ये रहा इसका कवर, अब हमने उसको हटा के देखा, कवर को हटा के देखा, यहाँ इस वाले कवर को हटा के देखा, तो हम देखते हैं कि इसमें इस तरह के कवर पे क्या होता है, छोटी 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 ड्रॉप्स होती हैं जो कि स्टीम की होती है, भाप की होती है, है ना। अगर हम इसको थोड़ी सी देर रखा रहने देंगे तो हम देखेंगे कि भाप पानी में चेंज हो जाएगी वापस, होती है ना पानी में चेंज, आप देखना वाटर को गर्म करके, पानी को गर्म करके, बॉईल करके, कि जब हम ढक्कन ढकते हैं तो उसमें छोटी छोटी ड्रॉप्स आ जाती हैं अंदर की इंटरनल सरफेस पे, इनसाइड ऑफ द कवर, फिर हम उसको हटा के उल्टा करके देखते हैं तो वो जो भाप होती है, वो जो वेपर होती है, वाटर की ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो स्टेट है दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है। आफ्टर दिस द डिफरेंट चेंजेस बिटवीन द स्टेट ऑफ मैटर आर समराइज्ड इन फिगर 4। हम इसको शॉर्टली समझ सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है थ्रू द मेल्टिंग स्टेट, थ्रू द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस। सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज हुआ, जब हमने उसको पिघलाया तो वो लिक्विड में बदल गया, जब हमने लिक्विड को फ्रीज किया तो वो सॉलिड में बदल गया, है ना। लिक्विड सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हुआ क्योंकि हमने उसे मेल्ट किया। अब लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ क्योंकि हमने उसे फ्रीज किया। लिक्विड गैस में चेंज हुआ क्योंकि हमने उसे गर्म किया, इवेपोरेट किया, इवेपोरेशन वाली प्रोसेस की। अब जब हमने उसको गर्म पानी को ठंडा किया कंडेंसेशन की प्रोसेस में तो वो वापस लिक्विड में चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारी जो एक स्टेट है मैटर की वो दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से इस प्रोसेस को देखना है, पढ़ना है, समझना है। ये देख रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस कैसे चेंज हो रहा है, मेन जो वर्क है वो ये प्रोसेस कर रही हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आफ्टर दिस वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।